डिप्टी स्पीकर शैले रजा की जेर सदारत सिंध असम्बली के इजलास में हुकूमती रुकन डॉक्टर सराफ सरकी ने पीटीआई के खुर्रम शेर जमान की जानिब तवज्जो दिलाते हुए बबल गम चबाने पर उन्हें तंकीद का निशाना बनाया। कुछ यहाँ पर दोस्त जो हैं वो हमें कोई इतराज नहीं है, मेरे ख्याल में जीन्स पहन कर आते हैं साउथ में और दूसरा यहाँ बैठ कर चिगम खाते हैं, ये कोई खुर्रम जमान साहब के लिए मैं कहूँगा। चंद लम्हात पहले ऐवान में ही बैठकर पानी पीने वाले सीनियर वजीर निसार अहमद खोड़ो ने भी मामले पर साथी रुकन का खूब साथ निभाया। अक्सर अखबारों में खबरें छपती हैं कि मौजूद खवातीन सौंफ सुफारी एक दूसरे को दे रही हैं। इसी तरह से इस मेंबर ने भी ये कह दिया कि अगर किसी का च्युइंगम खाना क्या जायज है तो फिर खाना खाने का भी इजाजत है, लेकिन फिर खाना खाने की भी इजाजत दे दे हम। ऐवान में जींस पहनकर आने पर एतराज न होने के जुमलों के साथ शर्जील मेमन बहस में कूदे तो पीटीआई के समर अली खान और शर्जील मेमन में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। देखिए रूल्स और प्रोसीजर है, यू कैन नॉट ईट एनीथिंग इन द हाउस। अकॉर्डिंग टू रूल्स और प्रोसीजर यू कैन नॉट ईट एनीथिंग इन द हाउस। सारी लड़ाई एक्सपंज कर दे जी। नेक्स्ट, अक्सर फोटोज हम सब की छप जाती हैं क्योंकि काफी दफा यहाँ पे सुलाने वाली बातें होने लगती हैं तो हम लोग को मुंह में कुछ डालना पड़ता है। हाउस के अंदर कोई खाना पीना नहीं होगा। ऐवान में मुतादिद अरकान खुश गपियों में भी मसरूफ रहे। डिप्टी स्पीकर की जानिब से ऐवान में खाने पीने की अशिया लाने और खाने पीने पर पाबंदी के बावजूद भी कुछ खवातीन अरकान के मुंह भी चलते रहे। कैमरामैन अदिल अली और कयूम शेख के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।